नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमने जो स्टार्ट किया है वीडियो में, वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। मैंने आपको ज्योग्राफिकल डिस्कवरी पार्ट 1 में बताया था कि 1857 के बाद से जो घटनाक्रम है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। पर इसको डिस्कस करने से पहले हमें इससे प्रीवियस जो घटनाक्रम है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि हमने बताया था कि मध्यकालीन भारत का जो पीरियड था 712 से 1857 तक का है, लेकिन एक्चुअली जो उसका मध्यकाल माना जाता है वो 712 से लेकर 1526 ईस्वी तक, जहां पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और दिल्ली सल्तनत काल खत्म करके बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी, वहां तक को हम लोग मध्यकाल जनरली मानते हैं और उसके बाद के पीरियड को उत्तर मध्यकाल में पढ़ते हैं। तो उत्तर मध्यकाल जो 1526 से शुरू होता है, जहां पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, तो 1526 से लेकर 1707 तक मुगल वंश पढ़ते हैं और 1707 से लेकर के 1857 तक जो पढ़ते हैं वो उत्तर मुगल काल के रूप में पढ़ते हैं। उसमें भी मुगल वंशज भी आए, लेकिन उतने वो पराक्रमी नहीं रहे, उतने योग्य नहीं रहे, इसीलिए उसको उत्तर मुगल कालीन भारत में पढ़ते हैं। तो चूंकि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, यूरोपियंस के बारे में पढ़ना है, तो हमें इसके लिए जो 1526 के बाद से घटनाक्रम हुआ है उसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी होगा। कैसे यूरोपियंस भारत में आए और कैसे कैसे व्यापार किए और कैसे अपना वर्चस्व भारत में स्थापित किए, तो उसके लिए हमें यहां से पढ़ना जरूरी होगा। इसीलिए हम आज इस वीडियो में भारत में यूरोपियंस के आगमन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ये इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते चलेंगे और इनको हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही डिस्कस करेंगे और मध्यकालीन भारत में हम 712 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत काल के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में यूरोपियन का आगमन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूरोप में ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, भौगोलिक खोजें होने लग गई थी, जिसके कारण से वहां पे व्यापार बाजार की व्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यूरोपियंस को भारत में क्यों आना पड़ा या यूरोपियंस को इस एशियाई देशों की तरफ क्यों आना पड़ा। मैंने यहाँ पे कुछ मैप ड्रॉ, वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर लिया है शॉर्ट में, जो आपको मैं पहले वर्ल्ड का मैप को थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहले कैसा था। यहाँ पे जो यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। अब देखिए क्या कॉज है यूरोपियंस को भारत में आने में। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि 11वीं-12वीं शताब्दी में अरबों हुए धर्म युद्ध में यूरोपियंस का पराजय होना, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ था जिसमें ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में वर्चस्व बनाने के लिए युद्ध किए थे और इसमें अरबों के द्वारा जो यूरोपियन पराजय हो गया, तो यूरोप का अपना जो अहंकार था वो टूट गया और उसको लगा कि नहीं, हमें पृथ्वी को अच्छे सिरे से या पृथ्वी में जो हो रहे भौगोलिक जितने भी भूगोल है इसके, पृथ्वी के बारे में या समुद्र के बारे में, उसको हमें अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो श्रेष्ठ समझते थे तो फिर क्यों हार गए, उस पर उसने उस बात का विचार शुरू किया और उससे उसका पुनर्जागरण की स्थिति यूरोप में बनी। और पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था वो इटली से शुरू हुआ था, यहाँ पे एक कंट्री है इटली, तो पुनर्जागरण का केंद्र इटली को माना जाता है, वहां से स्थापित हुआ था पुनर्जागरण यूरोप में होना। जिससे पुनर्जागरण हुआ, इससे क्या हुआ कि नए नए व्यापार और नए नए आविष्कार हुए। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो था इटली। अब इटली क्यों बना पुनर्जागरण का केंद्र, क्योंकि इटली का जो भौगोलिक सिचुएशन है आप उसको थोड़ा सा समझिए कि पहले जब 1498 में वास्को डी गामा भारत या नहीं आया था, उससे पहले या 7वीं-8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में यूरोप का एशिया के साथ कैसा संबंध था, उसके लिए आप थोड़ा सा देखें तो दो रास्ते से व्यापार हुआ करते थे। एक तो होते थे कि एशिया से जो पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी से होते हुए जाते थे और इस रास्ते से जाते हुए यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है तुर्की, तुर्की से होते हुए जो भी वस्तु होते थे जाते थे वहां से कुस्तुतुनिया के होते हुए वो इटली का एक शहर था वीनस, वहां पे पहुंचाया जाता था। और दूसरा था कि यहाँ पे एक दूसरा था कि ये लाल सागर से होते हुए मिस्र और पर्सिया, मिस्र में एक पोर्ट था अलेक्जेंड्रिया,
उस पोर्ट से होते हुए थोड़ा बहुत और भूमध्य सागर से होते हुए ये इटली पहुंच जाता था। तो मुख्य व्यापार का जो केंद्र बना हुआ था वो इटली इटली ही बना हुआ था। जो पूर्व के देशों से जितने भी वस्तु जाते थे पहले इटली जाते थे और इटली से ही यूरोप के बाजार में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, इसीलिए इटली का एक अधिकार बन गया था यूरोप के बाजारों पे। और वहां पे जो समाज था वो ज्यादा एडवांस हो गया था। तो दूसरा कारण ये भी था कि यूरोपियन कंट्री के आपस में प्रतिस्पर्धा, क्योंकि दूसरे जो यूरोपियन कंट्री थे वो देख रहे थे कि इटली जो है एक अधिकार किया हुआ है व्यापार पे। तो दूसरा कारण था यूरोप के कई देशों द्वारा इटली के एकाधिकार व्यापार को चुनौती देना। वो सोच रहे थे कि उसके व्यापार को किसी तरह से तोड़े और जो इटली लाभ कमाता है उसमें हमें भी लाभ का शेयर मिल सके, क्योंकि इटली का जो शहर वेनिस था वो बहुत समृद्धशाली था और उससे वो इटली के और तब जो यूरोप के और जो कंट्री थे उस वेनिस की समृद्धि से जलते थे। नेक्स्ट कॉज क्या था कि कृषि में कम लाभ का होना तथा यूरोप में नए आविष्कार और औद्योगिक क्रांति का होना। कृषि में जो निवेश पहले किया करते थे अब जो नए नए आविष्कार होने लग गए, नए नए आविष्कार से औद्योगिक क्रांति होने लग गई। औद्योगिक क्रांति जब होने लग गई तो कृषि में जो निवेश पहले करते थे उससे अब उनको लगने लगा कि इस निवेश में ज्यादा मुनाफा नहीं है और व्यापार और उद्योग में लगाने से ज्यादा मुनाफा है। इसके कारण से वो व्यापार की तरफ अपना रुख को बढ़ाए। जब व्यापार की तरफ अपना रुख को बढ़ाए तो कच्चा माल उसको चाहिए उद्योग को लेने के लिए, और जब कच्चा माल कहीं से मिलेगा तो फिर जो तैयार माल होगा यूरोप में उसको बेचने के लिए, तैयार माल के लिए भी सप्लाई के लिए बाजार चाहिए। तो कच्चे माल और तैयार माल के लिए व्यापार बाजार की तलाश भी यूरोपियंस को एशियाई देशों की तरफ या यूरोप से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। दूसरा कारण यह था कि सातवीं शताब्दी में अरब का मिस्र पे और ईरान पे पर्सिया पे नियंत्रण तथा 1453 में तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार से सीधा संपर्क बंद हो गया। अब क्या हुआ कि पहले जो अधिकार, पहले जो व्यापार हुआ करता था, मैंने आपको बताया कि दो रूट से होते थे, एक तो पर्शियन गल्फ से होते हुए टर्की जाते थे और वहां टर्की से कुस्तुनतुनिया होते हुए जाता था, तो और दूसरा आता था कि ये लाल सागर से होते हुए मिस्र जाता था, मिस्र से फिर इटली जाता था। अब क्या हुआ कि सातवीं शताब्दी में अरब, यहाँ पे एक कंट्री है अरब, ये अरब के द्वारा मिस्र और ईरान, यहाँ पे एक कंट्री ईरान, ये दोनों पे अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण से जो ये रास्ता था वो अरब के अधिकार में आ गया। और अरब से वैसे भी यूरोपियंस का प्रतिस्पर्धा बना रहता था तो अब सीधा संपर्क उनसे नहीं रहा, उससे जो भी व्यापार करता था अरब वासी उनसे ज्यादा से ज्यादा कर वसूला करते थे। वो सातवीं शताब्दी में ही उनका अधिकार कर लिया तो ये रूट तो उनके लिए बंद हो गया। और 1453 ईस्वी में जो टर्की के कुस्तुनतुनिया, जिसको इस्तांबुल बोलते हैं आधुनिक अकाल में, तो इस पे कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार 1453 होने के कारण अब क्या हुआ कि ये रास्ता भी बंद हो गया व्यापार के लिए। तो अब जो है सो अब तुर्की उस पे ज्यादा कर लगाता था, जिसके कारण से तुर्की जो यूरोपियंस है अब डायरेक्ट व्यापार नहीं कर पाते थे। अब ये मुस्लिम कंट्री जो जितने भी थी अरब या टर्की, उसके थ्रू होते हुए उसको व्यापार करना पड़ता था, जिसके कारण से उसको व्यापार में ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, जिसके कारण अब वो रूट तलाशने लगे कि मैं दूसरा अल्टरनेट कौन सा रूट तलाशूं जिससे मैं सीधा इस एशियाई देशों के साथ संपर्क बना सकूं। नेक्स्ट कारण है कि मार्को पोलो जो एक पुर्तगाली यात्री था 1254 से 1324 के बीच में चीन की यात्रा किया था। चीन की यात्रा के साथ वो एशियाई कुछ कुछ देशों का भी यात्रा किया था। वो अपने यात्रा वृतांत में चीन के जो शासक एक कुबलई खान था उसके समृद्धि के बारे में भी बताया था, उसके साथ वो विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि के बारे में भी लिखा था। तो वो जो धनों का आकर्षण था वो यूरोपियंस को अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि उस समय समाज जो था पहले समानतावादी था, उससे वो समाज पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और जैसे पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट होगा तो व्यापार में उसका ध्यान ज्यादा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश के लिए व्यापार बाजार की तलाश करेगा। तो जब इधर की संपदा धन को देख के उसको लग रहा था कि यहाँ अच्छा बाजार भी है और यहाँ संपत्ति भी है एशियाई देशों में, इसीलिए वो एशिया देशों की ओर आने के लिए इच्छा बना रहा। तीसरा कि ईसाई मत का प्रचार प्रसार। अब चूंकि धर्म युद्ध में वो पराजय हो गया था, धर्म युद्ध में पराजय अरबों से होने के कारण अब उसका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार थम सा गया था। तो इसके लिए वो चाहता था कि इस कंट्री सब में जाकर के हम ईसाई मत को प्रचार प्रसार करें और
ईसाई धर्म को आगे से आगे बढ़ाए और दुनिया के बहुत सारे देशों में ईसाई धर्म को फैलाए। तो ये सारे कारणों के कारण यूरोपियंस को यूरोप से बाहर निकालने पे मजबूर किया और यूरोपियंस इसी स्थिति में भारत तक पहुंचे। तो पहला जो यूरोपियंस भारत पहुंचा वो था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ पे था? पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं पुर्तगाली का इतिहास। तो सबसे पहला यूरोपियन जो भारत आया वो एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के मालाबार तट कालीकट केरल पहुंच गया। अब ये पुर्तगाली व्यापारी जो वास्को डी गामा है वो यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए, जिसको उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, से होते हुए भारत के मालाबार तट पहुंच गया था। क्योंकि 1487-88 में पुर्तगाल का ही एक नाविक बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक आ चुका था और उसके 10 साल के बाद जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड आया तो वहां पे उसे एक भारत का व्यापारी अब्दुल मजीद मिला। उसने उसको लेकर के भारत लेके चला गया मालाबार तट पे, जहां पे वो कालीकट पहुंचा। उसका स्थानीय शासक जमोरिन था, तो जमोरिन उस समय उसका स्वागत किया और उसको व्यापार करने के लिए बोला। लेकिन वास्को डी गामा का या पुर्तगाली का एक छुपा हुआ एजेंडा यह भी था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करे और यहाँ पे करे और यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराए। जबकि उस समय पे इस क्षेत्रों में अरबों का ज्यादा व्यापार क्षेत्र पे अधिकार था। अरब के जो नौसैनिक थे इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनका जो था मुसलमानों का व्यापार क्षेत्र पे ज्यादा अधिकार था। तो वो वास्को डी गामा चाह रहा था कि जो अरब को जो सुविधा जमोरियन के द्वारा दी जा रही थी वो उसको बंद कर दे और वो सुविधा हमें दिया जाए और हम यहाँ पर अच्छे से अपना व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करें और मुसलमानों से बदला ले। इसी क्रम में उसने मालाबार तक पहुंचा। वहां से उसने, उस समय तो जमोरियन नहीं माना, उसके बाद वो वहां से मसाला खरीद के वापस आ गया और वापस आकर के जो आया उसे कहा जाता है कि 26 गुना मुनाफा के साथ वो पुर्तगाल लौटा। लेकिन जब वो आया था उस समय हम थोड़ा सा भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी थी। तो भारत में कोई भी जितने भी शासक थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जितने भी राज्य थे या शासन कर रहे थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। एक गुजरात में महमूद बेगरा का एक मजबूत शासन था। उसके अलावा जो बहमनी साम्राज्य थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई थी। कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसके पास नौसैनिक हो, या नौसैनिक हो भी तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी जितना पुर्तगाली और यूरोपियों की हो चुके थे। और अरब का जो व्यापार था, नौसैनिक था जो व्यापार करते थे, वो भी पुर्तगाली के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो उस समय जो पुर्तगाली शासक ये सोच रहा था कि पूरा हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस पर पूरा हमारा नियंत्रण हो जाए। इसी कारण वो अरबों को खदेड़ने के लिए क्या किया, अरबों के जहाज पे आक्रमण किए, उसको लूटा, उनसे युद्ध किए और धीरे धीरे अरब को हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वास्को डी गामा वापस आ गया तो फिर वहां पुर्तगाल के सम्राट 1500 ईस्वी में एक पेट्रो अल्ब्रेज कैबरल, जो कि ब्राजील का खोज किया था, उसके साथ बार्थोलोमियो डियाज को दे करके साथ करके 13 जहाजों का और 1200 लोगों का एक जहाजी बेड़ा भारत की तरफ भेजा। और इस बार इसने इसलिए भेजा कि जाकर के अगर जमोरियन को वहां का जो शासक था उसको बोलो कि या तो मुसलमान को हटाए और अगर वो नहीं हटाएंगे तो वो उससे युद्ध करके उसको परास्त करना। तो फिर वो जब पेट्रो अल्ब्रेज यहाँ पे आया तो वो देखा कि अगर हम जमोरियन से युद्ध करते हैं तो उसके साथ हमको अरबों से भी युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उस समय युद्ध नहीं किया और अपना व्यापार वो कोचीन और कन्नौर के क्षेत्र में सुरक्षित किया और फिर वापस वहां से लौट आया। फिर आक्रमण पुर्तगालियों के द्वारा यूरोप अरबों पे चलता रहा और 1501 ईस्वी में जो पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम थे अपने आप को अरब फारस और भारत के क्षेत्र के व्यापार का मालिक घोषित कर लिया। 1502 ईस्वी में जब वास्को डी गामा फिर से भारत आया तो उसने जमोरियन को बोला कि आप मुसलमानों को यहाँ से हटाइए, लेकिन उसने माना नहीं और वो नहीं हटाया। उसके बाद पुर्तगालियों ने क्या किया, उनपे गोली बारूद शुरू कर दिया। फिर युद्ध की स्थिति बन गई। तो उसको देखते हुए जमोरिया यहाँ पे जो
कोचीन है और कालीकट है, ये दोनों शासक के बीच में आपस में शत्रुता चल रही थी। तो ये दोनों का शत्रुता जो चल रही थी उसका लाभ उठाकर पुर्तगालियों ने क्या किया, कोचीन में कोचीन को बोला कि मैं आपको कालीकट के खिलाफ सहायता दूंगा, आप मुझे यहाँ पे स्थल दीजिए रहने के लिए। तो बड़ी चलाकी से 1503 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी, पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने स्थापित कर ली। और धीरे धीरे पुर्तगाली ने अरबों पे या यहाँ के जो राजा थे कालीकट के उस पे गोलीबारी करते रहे, उस पे आक्रमण करते रहे और धीरे 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 अरब को वहां से वो खदेड़ दिया। फिर स्पेन के जो शासक थे वो अपने आप को एशियाई व्यापार क्षेत्रों में स्पेशली अरब, फारस और इंडिया के क्षेत्र को छोड़ने की घोषणा करने से पुर्तगाली को एक पूरा मौका मिला कि वह इस क्षेत्र में वो अपना वर्चस्व स्थापित कर ले और स्पेन का जो शासक है वो अपने आप को फिलीपींस की तरफ शिफ्ट कर लिया, अपने व्यापार को फिलीपींस की तरफ शिफ्ट कर लिया और ये पुर्तगालियों के लिए खाली जगह बच गया जिसपे वो अपना वर्चस्व स्थापित करते चला गया। फिर 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के जो सम्राट थे उसने एक वासरे नियुक्त कर दिया और उसको ये आदेश दिया कि जाकर के आप कोचीन कन्नौर में जाकर के आप किलेबंदी करें और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों मनीला या मलक्का से या इस क्षेत्रों में जो भी मुस्लिम व्यापार है उसको वहां से हटा दिया जाए। तो सबसे पहले जो उसने 3 वर्षों के लिए एक वासरे नियुक्त किया था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। चलिए आप उससे आगे देखते हैं कि पुर्तगाली वासरे भारत में कौन कौन से हुए। तो स्पेन के शासक चार्ल्स प्रथम के द्वारा अपने हितों को हिंद महासागर क्षेत्रों से दूर कर फिलीपींस क्षेत्रों में सीमित करने से पुर्तगाली ने यहाँ अपने आप को एस्टादो इंडिया के रूप में घोषित कर दिया। उसके बाद पुर्तगाल के जो शासक थे वो पहला जो 3 वर्षों के लिए, शुरू में 3 वर्षों के लिए उसने वासराय नियुक्त करके भारत को भेजा था वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो जिसका शासनकाल 1505 से 1509 के बीच में रहा था। और आते ही अल्मेडा को ये कहा गया था कि आप जा करके जो मनीला मलक्का के क्षेत्र है, फिलीपींस के साइड में जो क्षेत्र है वहां से मुस्लिम व्यापारों को बर्बाद कर दीजिए और कोचीन कन्नूर भारत के क्षेत्रों में जाकर के अपना किलाबंदी कीजिए। तो इसी के तहत वो अल्मेडा आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी का अभियान चलाया, यानी कि हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र पे अपना व्यापार क्षेत्र पे व्यापार का कब्जा। तो आधे ब्लू वाटर पॉलिसी के अभियान के तहत उसने 1507 में मिस्र और गुजरात की सेना के साथ समुद्री युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में वो मिस्र और गुजरात के संयुक्त के सेना से पराजित हो गए। उसमें अल्मेडा का पुत्र भी मारा गया, लेकिन अगले वर्ष 1509 ईस्वी में मिस्र और गुजरात के संयुक्त सेना को अल्मेडा ने पराजित कर दिया और पुर्तगाली वर्चस्व को और बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे वास रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो शासन काल रहा वो 1509 से 1515 के बीच में रहा। एक्चुअली अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है स्क्वाड्रन के रूप में 1503 में ही भारत आ गया था, लेकिन 1509 में उसको वासराय नियुक्त कर दिया गया। उसने आते ही सबसे पहले जो किया वो अपना राजधानी को कोचीन में बसाया, कोचीन में बना लिया। 1510 में बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह उससे उसने गोवा को छीन लिया। अब गोवा को क्यों चुना, क्योंकि छीन लिया क्योंकि गोवा जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है और वहां से वो मालापार तट पे अपने व्यापार को नियंत्रण रखते थे और दक्षिण भारत के राजाओं पर भी नियंत्रण रखते थे, इसीलिए एक गोवा बहुत ही प्राकृतिक बंदरगाह और एक सामरिक स्थल भी था। उसके बाद गोवा के सामने की मुख्य भूमि जैसे कि दमन, राजौरी, दाभोल के बंदरगाह पर भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कब्जा करने में सफल रहे। उसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, पुर्तगाली पुरुष के साथ भारतीय महिला की शादी करवाता था जिससे पुर्तगाली वर्चस्व में वृद्धि होती चली गई। उसने अपने समय में एक मजबूत नौसैनिक का निर्माण भारत के क्षेत्रों में किया और जिसके कारण से अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भारत में कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वासराय को। नेक्स्ट वासराय जो है वो नीनो दा कुन्हा, जिसका शासन काल रहा 1535 से 1538 के बीच में। अब चूंकि गोवा का प्रशासनिक केंद्र तो 1510 में ही बना लिया था, तो इसने 1530 में क्या किया, कोचीन से अपनी राजधानी को
गोवा शिफ्ट कर लिया, अपने मुख्यालय को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर लिया। अब एक घटना हुई थी कि उस समय गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, हुमायूं ने अभियान किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ, तो बहादुर शाह ने अपने सहायता के लिए पुर्तगालियों से अपनी सहायता मांगा था और उसने बोला था कि आप मुझे इस समय सहायता कर दो, उसके बदले में उसने अपने बेसिन द्वीप जो था उसको पुर्तगालियों को सौंप दिया था। उसके बाद द्वीप में बेस प्रदान करने का उसने वादा किया था। तो 1534 में हुमायूं का गुजरात के अभियान में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा बेसिन द्वीप पुर्तगाली को सौंप दी और उससे वो मदद ली और द्वीप में बेस प्रदान करने का वादा किया। तो फिर जाकर पुर्तगाली ने 1535 में द्वीप पर भी अधिकार जमा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1536 ईस्वी में हुमायूं गुजरात से चले गए, तब क्या हुआ कि शहर के जो गुजरात के शहर के लोग थे वो पुर्तगाली से आपस में लड़ने शुरू कर दिए और बहादुर शाह चाह रहे थे कि हम पुर्तगाली और अपने शहर के लोगों के बीच में विभाजन करके रखूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिर उसने बातचीत के लिए पुर्तगाली से तैयार हुए और पुर्तगाली ने छल से बहादुर शाह को बातचीत करने के लिए जहाज में बुलाया और वहां पर उसने पुर्तगालियों के द्वारा बहादुर शाह को मार दिया गया। ये सारे नीनो दा कुन्हा के शासन काल में हुआ। चलिए अब देखते हैं पुर्तगालियों का व्यापार पे प्रभुत्व कैसे कैसे स्थापित हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम पुर्तगालियों के व्यापार के प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।